हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं IUPAC नॉमिनेटेड के टेस्ट के जो डिस्कशन है, टेस्ट नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो IUPAC नेम जो है यहां पर दिया हुआ है OCA3 और यहां पर दिया हुआ है NH2। तो पैरेंट कार्बन चेन क्या हो जाएगा बेटा? ये बेंजीन ही हो जाएगा, है ना। ये पैरेंट कार्बन चेन ये हो गया। अब इसमें NH2 है, OC बेटा ये तो सेकेंडरी प्रीफिक्स बनेगा और ये बनेगा सेकेंडरी सफिक्स। नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4। तो 4 पे है मिथॉक्सी, 4-methoxy, ठीक है ना, बेंजीनामाइन, या बेटा इसको एनिलीन भी कहते हैं। आपको पता है ना कि ये जो है ना, ये कॉमन नेम को IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है और इसका नाम बेंजीनामाइन है और साथ में इसको एनिलीन भी कहते हैं और एनिलीन जो है वो ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पर 4-methoxy एनिलीन बोल दो या 4-methoxy बेंजीनामाइन बोल दो, एक ही बात है। चलिए तो 4-methoxy दिख रहा है, यस 4-methoxy एनिलीन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, बेटा यहाँ पर देखें इसका IUPAC नेम बताएं। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3-3 CN है, तो जब भी कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा होता है ना, तो यहाँ पर जो सफिक्स है वो सफिक्स नंबर 2 यूज होता है। आपको पता है सफिक्स नंबर 1 क्या है CN के लिए, तो अगर इसे RCN है तो ये सफिक्स नंबर 1 कब लगेगा? जब इसका कार्बन पैरेंट कार्बन चेन में यूज हो जाता है, तब यहाँ पे सफिक्स 1 लगता है नाइट्राइल। और सफिक्स नंबर 2 कब लगता है? जब कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होता, तब सफिक्स नेम नंबर 2 लगता है, तब बोलते हैं इसको कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। तो चलिए बेटा, तो इसका एक कंडीशन है कि CN जो है ना वो 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, बेटा 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते, बल्कि इससे जुड़ा हुआ जो पैरेंट जो कार्बन का जो चेन है जो इनसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको हम पैरेंट कार्बन चेन मानते हैं। तो ये 3 कार्बन के पैरेंट कार्बन चेन होंगे। नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो, 1, 2, 3, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, सेम एड्रेस मिल रहा है बेटा। और अब इसका नाम हो जाएगा, ये सब के सब सफिक्स बन जाएंगे। तो इसमें प्रीफिक्स है नहीं, ना सेकेंडरी ना प्राइमरी। स्टार्ट करेंगे रूट वर्ड 3 कार्बन का, प्रोप एन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला सवाल, द जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल इज, बेटा एल्केनॉल अगर बोला है तो एल्केनॉल मतलब क्या, ये अल्कोहल को बता रहा है। तो एल्केनॉल क्या है बेटा? एल्केन के जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन के जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है जी। मतलब ये एल्केन है, एल्केन में जैसे ये CH4 हो गया, इथेन हो गया CH3C, इथेन हो गया, या प्रोपेन कर लो। तो बेटा मैं इसको एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करूँ, मैं एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करूंगा? यहाँ से एक एच हटाऊंगा, एक एच हट गया, और उस एच को ऑक्सीजन के साथ यूज करके OH बना दूंगा। मतलब फॉर्मूला अभी भी CH4 यहाँ पर था, CH4 यहाँ पर भी है, एक ऑक्सीजन जुड़ गया है, मतलब एक हाइड्रोजन कम करके मैंने OH जोड़ दिया। यहाँ पर भी मैं वैसे ही कर सकता हूँ बेटा, CH2 कर दिया मैंने, एक एच कम किया और OH जोड़ दिया, तो लाइक ऐसा, तो ये बन गया एल्कोहल। तो मैं इसके जनरल फॉर्मूले में क्या करूंगा बेटा, CnH2n+2 जो था ना, इसको मैं करूंगा एक हाइड्रोजन कम, तो ये हो जाएगा CnH2n+2 से 2n+1 हो जाएगा और यहां पर मैं लगा दूंगा OH। तो इस तरीके से ये बन गया एल्केनॉल का फॉर्मूला। तो यहां पर OH वाला कोई ऑप्शन में है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा कि यहां पर जो H जो मैंने यहां पर कम किया है ना, वो कम ना करके एक एक्स्ट्रा ऑप्शन लगा दूंगा, ये अगेन क्या बन जाएगा एल्केनॉल। मतलब यहां पर कम ना करके, यहां पर हमने कम करके एक एच लगाया था, तो मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पे कम ही नहीं करता हूं, उसको वैसे रहने देता हूं और एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगा देता हूं। ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, अल्कोहल या एल्केनॉल के जनरल फॉर्मूला है। तो यहां पर CnH2n+2 देन O, क्या है, कहां है बेटा CnH2n+2 O। तो आपको जो है ना किसी का भी जनरल फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से 2-3 मेंबर लिखकर, ठीक है, आप उसके जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। अगला, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है। तो बेटा आप ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, तो ये बेंजीन हमने बनाया हुआ है बेटा, प्लीज ध्यान रखेंगे, बेंजीन जो है ना वो C6H6 होता है, तो बेंजीन जो है ये होता है C6H6। हमको बेटा हाइड्रोजन दिखाई नहीं देते, सारे कार्बन में एक एक हाइड्रोजन होता है, तो ये आप प्लीज ध्यान रखेंगे, सारे कार्बन में क्या है, एक एक हाइड्रोजन, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, है ना। इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है, एक एच हटाया है
और यहाँ पे लगा दी सी एन। तो चलिए काउंट करेंगे बेटा, तो आप सबसे पहले कितने हाइड्रोजन है वो काउंट कर लें। तो एक दो तीन चार पाँच, पांच हाइड्रोजन है तो पांच सिंगल बॉन्ड तो ऐसे निकल गया, मतलब पांच सिग्मा इसके हो गए बेटा। देन उसके बाद फिर ये पांच हो गए, देन यहां से कर रहा हूं ना, एक दो तीन चार पांच, फिर छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह, देन बारह और ये तेरह। तो सिग्मा कितने हैं? तेरह। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा तेरह, पाई कितने बेटा? एक दो तीन और चार और पांच। मल्टीपल बॉन्ड में सिग्मा अकेला होता है, बाकी पाई होते हैं, तो तीन और दो पांच, मतलब पांच पाई और तेरह सिग्मा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। इसका आईयूपीएसी ने पूछा बेटा, यहां पर एनडी का मतलब क्या है? मिथाइल। चलिए पैरेंट कार्बन चैन क्या हो जाएगा? ये पैरेंट कार्बन चैन हो जाएगा बेटा आपका, ये हो गया पैरेंट कार्बन चैन। नंबरिंग कहां से करेंगे? तो नंबरिंग देखो, यहां पर एक कीटो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या है? सी डबल बॉन्ड कीटो। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा ये हो जाएगा वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव और ये सिक्स। तो चलिए मुझे बताएं इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले प्रीफिक्स हो जाएगा ME। ME क्या है बेटा? ये मिथाइल ही है ना, CH3 को शॉर्ट में ME लिखते हैं मिथाइल को। तो ये थ्री मिथाइल साइक्लोहेक्स टू इन वन ओन, थ्री मिथाइल कहाँ पे बेटा? थ्री मिथाइल साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स टू इन वन ओन। तो थ्री मिथाइल टू साइक्लोहेक्सिनोन, हाँ टू साइक्लो, टू साइक्लोहेक्सीन वन ओन, बहुत बढ़िया बेटा। फर्स्ट ऑफ देखो, वन वन ओन बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर वन तो उसी को देंगे। तो यहाँ पर जो टू दिया है ना वो किसका एड्रेस है बेटा? वो इन का एड्रेस है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल साइक्लोहेक्स टू इन वन ओन। तो बेटा टू साइक्लोहेक्सीन नोन, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है क्योंकि ओन का एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों दोनों नाम बिल्कुल सही हैं। तो यहां पर ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो ऑक्टेन? बेटा आइसो ऑक्टेन आप ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर ये एक्सेप्शन होता है बेटा आइसो भी। आइसो क्या होता है? जब टर्मिनल से सेकंड कार्बन पर एक मिनरल की ब्रांचिंग होती है और इसके अलावा और कोई ब्रांचिंग नहीं होती है तब हम लगाते हैं प्रीफिक्स आइसो। लेकिन आइसो ऑक्टेन एक क्या है? एक एक्सेप्शन है आइसो जो रूल है उसके हिसाब से। तो ये होता है, ये टोटल कार्बन होते हैं इसमें पांच कार्बन लीनियर के, इधर से टर्मिनल पे सेकंड कार्बन पर एक कार्बन की ब्रांचिंग होती है और इधर से सेकंड कार्बन पर दो कार्बन की ब्रांचिंग होती है। ये होता है आपका आइसोऑक्टेन। बाकी में हाइड्रोजन लगा दिए CH3, यहाँ पर एक H, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर तीन। तो ये होता है आइसोऑक्टेन और इसमें पहला ऑप्शन ही यही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये है आइसोऑक्टेन। अगला, कॉमन नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज? तो ये बेटा ये कंपाउंड है तो इसका कॉमन नेम क्या है? आप देख पा रहे हैं कि टोटल कार्बन चार है, एक दो तीन और चार, और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो कौन सी वैकेंसी बेटा? ये टर्शरी कार्बन पर वैकेंसी है और टर्शरी कार्बन पर ये एल्कोहल है। तो ये कॉमन नेम अपन क्या बोलेंगे? थ्री डिग्री कार्बन पर हो चुकी, तो टर्शरी ब्यूटाइल, चार कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इसका जो नाम है वो है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। चार कार्बन के दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक दो तीन चार। तो बेटा एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है चार कार्बन की और एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है। अगर मैं बोलूं इसमें अगर मैं एल्कोहल लगाऊं तो क्या टर्शरी कार्बन मुझे मिलेगा क्या? नहीं, ये कार्बन प्राइमरी, ये सेकेंडरी, 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 प्राइमरी, तो यहाँ पे कोई टर्शरी कार्बन नहीं है। तो चार कार्बन का ये स्ट्रक्चर ना बना के मुझे पहले ये बनाना चाहिए और इसी पे लगा देना चाहिए OH। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर, मतलब नाम से मैं भी स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो मैं बना सकता हूँ। तो ये है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो यहाँ पर कहाँ है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3CH2NHCH3, इसका आईयूपीएसी नेम अगर देखते हैं तो क्या है? CH3CH2NH, फिर मिथाइल है बेटा। मैं काम करता हूँ मिथाइल हटाकर मैंने NH2 लगा दिया, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इसका नाम क्या है? दो पैरेंट कार्बन चेन, दो कार्बन का होगा इथेन। आईयूपीएसी नेम पूछा है ना, दो कार्बन का पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा इथेन अमाइन। इसका नाम क्या है? इथेन अमाइन या इथेन वन अमाइन। अब यहाँ पर हुआ क्या है? एक H हटाकर यहाँ पर CH3 लगा दिया है। तो बेटा अब अगेन देखेंगे कि नाइट्रोजन से इधर दो कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन, पैरेंट कार्बन चेन कौन बनेगा? यही बनेगा।
तो अगर ये पैरेंट कार्बन चेन बन गया तो ये क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। अब ये प्रीफिक्स किससे जुड़ा हुआ है? अमाइन के नाइट्रोजन से। तो ये कहलाएगा पहले एन मिथाइल, मतलब नाम क्या हो जाएगा पहले? एन मिथाइल। हमने एन क्यों लगाया? क्योंकि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है एन मिथाइल, और अगेन इसका नाम क्या था? वही इथेनामाइन। तो ये नाम हो जाएगा एन मिथाइल इथेनामाइन, इज करेक्ट आईपीएसी नेम। तो एन मिथाइल इथेनामाइन, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ ये। तो बेटा ये क्या हुआ है? एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी देन सी देन ये हो जाएगा सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। चलिए तो यहां पर सबसे पहले आप पैरेंट कार्बन चैन जो सेलेक्ट करेंगे वो क्या होगा बेटा? लीनियर ही होगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड लीनियर में आ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत होती है, उसे हमको पैरेंट कार्बन चैन में इंक्लूड करना ही चाहिए। चलिए नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग किसको लेकर करेंगे बेटा? मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि यहां पर एक है प्रीफिक्स और एक है मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी प्रीफिक्स से ज्यादा होती है। तो अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं तो मल्टीपल बॉन्ड का नंबर वन ये मिलेगा, इधर से नंबरिंग करूं तो मल्टीपल बॉन्ड का नंबर टू मिलता। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। चलिए नंबरिंग हो गया, अब देखते हैं नेमिंग। तो नेमिंग स्टार्ट करेंगे प्रीफिक्स से, थ्री मिथाइल, सेकंड प्रीफिक्स हो गया मिथाइल, थ्री मिथाइल, देन क्या रूट वर्ड पैरेंट कार्बन चेन कितना हो गया? पांच। तो थ्री मिथाइल पेंट थ्री इन वन आयन, थ्री मिथाइल पेंट थ्री इन वन आयन। देखते हैं थ्री मिथाइल, तो सब में थ्री मिथाइल है, देन पेंट थ्री इन, पेंट में थ्री इन का यहाँ पे है, इसको थ्री पेंटिन बोलो या पेंट थ्री इन बोलो एक ही बात है। तो पेंट थ्री इन या वन आइन बेटा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं बेटा, रॉन्ग आईयूपीएसी नेम पूछा है। रॉन्ग आईयूपीएसी नेम किसका है? ये क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है, ओपन कर लेते हैं, सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। बेटा यहां पर क्या है? पैरेंट कार्बन चेन तीन कार्बन का, एक दो तीन, प्रोपेन और लग जाएगा सफिक्स एमाइड, प्रोपेनामाइड, ये आपका सही आईयूपीएसी नेम है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं बेटा, बी क्या देकर रखा हुआ है? ये देकर रखा हुआ है सी एच थ्री सी एच टू सी ओ ओ सी एच, ये इस्टर दिया हुआ है, और इस्टर के नेमिंग में क्या करते हैं? अगेन पैरेंट कार्बन चैन इस कार्बन को लेकर, ये हो जाएगा पैरेंट कार्बन चैन, और ये प्रीफिक्स बनता है बेटा जो ऑप्शन के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है ना वही प्रीफिक्स बनता है। इसका नाम है मिथाइल, तीन कार्बन का मिथाइल प्रोपेन, सफिक्स लग जाएगा ओइट, मिथाइल प्रोपेनोइट, क्या दिया हुआ है? मिथाइल प्रोपेनोइट, अगेन ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। फिर सी देखते हैं, सी क्या दिया हुआ है? सी है सी एच थ्री सी एच, ऊपर लगा हुआ है सी एच थ्री देन सी एच देन डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। चलिए तो यहां पर पैरेंट कार्बन जो चैन होगा वो ये होगा मल्टीपल बॉन्ड के साथ में, और नंबरिंग कहां से करेंगे बेटा? देखो अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो प्रीफिक्स को नंबर टू मिलेगा, इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को नंबर टू मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि प्रीफिक्स और मल्टीपल बॉन्ड में ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो मल्टीपल बॉन्ड की होती है, तो मल्टीपल बॉन्ड को आप चेक करें कि इधर से वो लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। चलिए तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा 4-methyl पेंट टू इन, 4-methyl। बेटा देखिए यहां पे दिया हुआ है 2-methyl, ये 2-methyl नहीं होगा बल्कि 4-methyl होगा, और पेंट टू इन है जबकि यहां पे 3, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही क्या होगा? इन करेक्ट आईयूपीएसी नेम, मतलब सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको देखेंगे तो पैरेंट कार्बन चेन ये चार कार्बन का, लाइक बेटा ये बनने वाला है, ठीक है, तो ये 1 2 3 4, तो 2 पे है इथॉक्सी 2-ethoxybutane, ऑप्शन नंबर डी भी क्या था बेटा? करेक्ट, मतलब इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो कि रॉन्ग आईयूपीएसी नेम था। अगला सवाल बढ़ते हैं, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। बेटा इसका आईयूपीएसी नेम हम अगर देखें, पैरेंट कार्बन चेन ये रिंग हो जाएगा क्योंकि इसी रिंग से OH जुड़ा हुआ है। नंबर वन किसको दे बेटा? OH को, कि डबल बॉन्ड वाले को? तो यार अगेन आपको पता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? फंक्शनल ग्रुप, देन उसके बाद फिर मल्टीपल बॉन्ड, और देन उसके बाद फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो बेटा यहां पर सेकेंडरी प्रीफिक्स ये है, मल्टीपल बॉन्ड ये है, फंक्शनल ग्रुप ये है, तो प्रायोरिटी इसकी सबसे ज्यादा तो ये हो जाएगा 1, देन आगे बढ़ते बेटा 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 एंड 5। नाम क्या हो जाएगा? तो सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले 2-methyl, देन प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो पेंट 2 इन वन ऑल। चलिए चलिए देखते हैं, 2-methyl, ये दो ऑप्शन निकले 2-methyl, देन साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट बेटा 1 इन होगा कि 2 इन होगा? 2 इन होगा और 1 ऑल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगला,
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन इन द गिवन कंपाउंड्स आर, बेटा आप देख पा रहे हैं कि इस कंपाउंड में एक है फंक्शनल ग्रुप और उसके बाद है मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ध्यान रखें कि मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत होती है, उसको पैरेंट कार्बन चेन में आपको इंक्लूड करना चाहिए। तो आप अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखें तो आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, लेकिन अगर मैं इधर गया 1, 2, 3, तो भले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन थोड़ा छोटा हो जाएगा पर आपको मल्टीपल बॉन्ड पैरेंट कार्बन चेन में मिल जाएगा। इसी वजह से मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए बेटा हमको 3 कार्बन का पैरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना, भले ही बनाना पड़े पर बनाएंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर जाएंगे। तो नंबरिंग होगा 1, 2, 3 और पैरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का हो जाएगा, 3। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 3, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रिंसिपल कार्बन चेन में, 3। नेक्स्ट जो है IUPAC name of given compound is, बेटा इसका IUPAC name बताएं, parent carbon chain बेटा देखिए OH again ring like structure जुड़ा हुआ है, parent carbon chain ही हो जाएगा ring। Numbering जो करेंगे वो क्या होगा, ये हो जाएगा जहां पे जुड़ा हुआ है 1, ये 1। Functional group को देखकर करना है बेटा क्योंकि ये तो prefix है, ठीक है ना। तो functional group से start करेंगे 1, 2, 3 then 4 और 5, 6। नाम क्या हो जाएगा, 3,3-dimethyl, कहीं पे है क्या, yes 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl। then क्या बेटा, फिर ये हो जाएगा cyclohexane 1-ol, ये है 1-cyclohexanol, cyclohexane 1-ol बोलो या 1-cyclohexanol बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेटा ये 1-hydroxy बोलकर क्या गलती करी है कि यहाँ पर OH को प्रीफिक्स मान लिया गया, बेटा OH प्रीफिक्स थोड़ी ना होगा, ये तो एकमात्र फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो सफिक्स होगा, तो ये हाइड्रोक्सी ये नाम तो यहाँ पर गलत है और बाकी तो वैसे भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, IUPAC नेम ऑफ CH3, चलिए देखते हैं इसको ओपन कर लेते हैं। CH3 ठीक है, दो बार है बेटा, इस CH में दो CH से जुड़े हुए हैं, देन अगेन ये CH और इस CH में अगेन दो CH से जुड़े हुए हैं, एक CH3 और अगेन CH3। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं, पैरेंट कार्बन चेन क्या हो जाएगा, पैरेंट कार्बन चेन बेटा ये 4 कार्बन को ले लेते हैं, देन नेमिंग क्या हो जाएगा, 1, नंबरिंग करेंगे किधर से भी एक ही बात है, 1, 2, 3, 4, 2-methyl-3-methyl, मतलब 2,3-dimethylbutane, बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन हम देख सकते हैं, 2,3-dimethylbutane इज द करेक्ट आंसर। चलिए IUPAC name of the compound having the formula, बेटा इसका आप IUPAC name बताएं, बड़ा ही अच्छा सवाल है, नीट में इसको बार बार पूछता है बेटा, ऐसे सवाल जो हाइड्रोकार्बन के है ना ये बार बार पूछता है, क्या इसमें नेमिंग होगा देखते हैं। देखिए पैरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का बेटा, नो डाउट लीनियर ही होगा पैरेंट कार्बन चेन। अब नंबरिंग कहां से करें, तो नंबरिंग कहां से करें, इधर से देखें तो मल्टीपल बॉन्ड नंबर 1 पे आ रहा है, इधर से भी देखें तो मल्टीपल बॉन्ड नंबर 1 पे आ रहा है, दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड नंबर 1 पे आ रहा है, और इसके अलावा बीच में कोई प्रीफिक्स है नहीं कि जिसको हम लोग जिसके हिसाब से हम लोग नंबरिंग करने का तरीका ढूंढे, तो यहाँ पर ओनली मल्टीपल बॉन्ड ही है, दोनों साइड से सेम एड्रेस पे आ रहा है। तो बेटा जब दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड सेम एड्रेस पे आ रहे हैं तो आप चेक करें कि क्या दोनों मल्टीपल बॉन्ड सेम है या अलग अलग है। तो बेटा ये मल्टीपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड और मतलब मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो इज्जत है या प्रायोरिटी है वो सेम होती है, दोनों की इज्जत सेम होती है, पर क्या करें जब हम किसी एक साइड से नंबरिंग करना पड़े, क्योंकि दोनों तो सिमेट्रिकल है नहीं, दोनों अलग अलग है, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो किसी एक की प्रायोरिटी जब हमको देनी पड़े तब हम यूज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डबल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज होता है इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज होता है आइन, और इन का ई और आइन का वाई में बेटा ई जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इसलिए नंबरिंग जो होगा वो इधर से होगा 1, 2, 3, 4। बेटा आपको ध्यान देने की बात यह है कि इस क्वेश्चन का जब हम आंसर कर रहे हैं तो आपको ये मिसकंसेप्शन नहीं रखना है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सेम होती है, पर जब कभी हम क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि दोनों को सेम एड्रेस मिल रहा है, दोनों को सेम नंबर मिल रहा है, तब किसी एक को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, तो जब देनी पड़ती वाला केस है उस केस में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हम थोड़ा सा बढ़ा कर, ठीक है, हम करते हैं नंबरिंग इधर से, पर हालांकि दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है 1, 2, 3, 4। तो नेमिंग क्या हो जाएगा बेटा, 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट और देन बेटा अगेन डबल बॉन्ड के लिए पहले बोलेंगे ब्यूट 1-ईन, ब्यूट 1-ईन और देन क्या बेटा और क्या 3-आइन, ब्यूट 1-ईन एंड 3-आइन, तो ये हो गया ब्यूट 1-ईन, 1-ब्यूटीन 3-आइन, तो ये ब्यूट 1-ईन 3-आइन ये कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1-butene-3-ion या but 1-in-3-ion एक ही बात है।
करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, बेटा इसका आईयूपीएसी नेम आप बताएं। चलिए तो पैरेंट कार्बन चेन क्या होगा, देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, तो अगर मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है बेटा तो पैरेंट कार्बन चेन यहीं से स्टार्ट करें, ये हो गया बेटा पैरेंट कार्बन चेन। अब किधर जाए, अब अगर मैं इधर जाता हूँ एक दो तीन चार पाँच छह, इधर अगर जाए तो सिक्स कार्बन, एक दो तीन चार पाँच छह इधर से भी जाए तो सिक्स कार्बन है, इधर भी जाए तो सिक्स कार्बन है। तो बेटा पैरेंट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छह कार्बन का मिल रहा है यहाँ से, और यहीं से स्टार्ट करनी है, तब किधर जाए तो उधर जाए जिधर नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा मिले। तो बेटा आपको इधर जाने, इधर इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते, एक ही बात है वो आइडेंटिकल है, तो आप यहां से यहां चले, ये हो गया आपका पैरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। तो नंबरिंग क्या होगा, ये हो जाएगा नंबरिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड से बेटा, ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव और ये सिक्स, थ्री पे है तीन कार्बन का प्रोपाइल, तीन कार्बन में प्रोपाइल और फोर पे इथाइल, तो इथाइल ये पहले आएगा, हम बोलेंगे फोर प्रोपाइल, क्या बेटा फोर प्रोपाइल थ्री आई एम सॉरी फोर इथाइल है ना, फोर पे क्या है बेटा फोर है इथाइल, फोर पे है, फोर पे है इथाइल, फोर इथाइल, थ्री पे है प्रोपाइल, थ्री प्रोपाइल, टोटल कार्बन है सिक्स, हेग वन इन, इन का एड्रेस है वन, तो ये हो गया फोर इथाइल, कहीं पे है फोर इथाइल, यस फोर इथाइल थ्री प्रोपाइल हेग्स वन इन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन, ठीक है। चलिए अगला सवाल, आईयूपीएसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज, बेटा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताओ। चलिए इसको थोड़ा सा सही तरीके से एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपको और भी मजा आएगा। सी डबल ओ एच ओपन कर लो बेटा, सी डबल ओ एच, देन इसके बाद है कार्बन जिसमें एक NH2 और ऊपर है C2H5 जिसको मैं CH2CH3 लिख सकता हूं, यस। देन इसके बाद बेटा ये है CH2, देन इसके बाद है कार्बन जिसपे है C डबल बॉन्ड O ग्रुप और ठीक है ना, देन क्या CH3, ये है आपका क्वेश्चन। इसको अगर ऐसा ना समझ पाए इसको ओपन कर लें, देन पैन कार्बन चेन सेलेक्ट करें बेटा, आपको दिख रहा है इसका ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है सी डबल ओ एच जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, यहां से बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चैन ले, ये यहां से आपको ये मिलेगा, ठीक है। पैरेंट कार्बन चेन हो गया, नंबरिंग कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, बेटा ये कीटोन का कार्बन है, अब क्योंकि इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है और जो सीनियर होता है वो सफिक्स बनता है, बाकी सब प्रीफिक्स बन जाएंगे बेटा, ये भी बन जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये भी बन जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये तो बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स होता ही है, ये तो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता ही है। चलिए तो अब नेमिंग जब करेंगे ना तो प्रीफिक्स में से वो प्रीफिक्स को पहले बोला जाएगा जो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले आता है। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए हम बोलेंगे इथाइल, ये है इथाइल, ये है अमाइन और ये इसके लिए बोलेंगे ऑक्सो। तो बेटा अमाइन का ए सबसे पहले आता है तो टू हो जाएगा अमाइन, कहीं पे है क्या, यस टू अमाइन, देन बेटा ये अमाइन हो गया, ये ऑक्सो हो गया और ये इथाइल, तो सबसे पहले टू अमाइनो, ए के बाद आएगा ई, तो बेटा टू अमाइनो टू इथाइल, टू अमाइनो टू इथाइल, फोर पे है ऑक्सो, फोर ऑक्सो पेंटेन, ठीक है ना, पेंटेन वन ओइक एसिड, या वन नहीं भी लगेंगे चलेगा क्योंकि बेटा इसको नंबर वन ही दिया जाएगा, स्टार्टिंग तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो ये इसका नाम हो जाएगा टू अमाइनो टू इथाइल फोर ऑक्सो पेंटेन ओइक एसिड, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, द आईयूपीएसी नेम फ्रॉम द इनकरेक्ट नेम फोर अमाइनो थ्री हाइड्रोक्सी टू ब्यूटीन इज, तो बेटा ये इनकरेक्ट नेम है और इसका आपको क्या बताना है करेक्ट आईयूपीएसी नेम। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये जो नाम है ना इस नाम को देखकर पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर का फिर करेक्ट आईयूपीएसी नेम निकालेंगे और ढूंढेंगे इन चारों ऑप्शन में। चलिए ब्यूटीन बोला है, चार कार्बन लिख लो बेटा, एक दो तीन चार, ब्यूटीन में टू ब्यूटीन बोला है, नंबरिंग कर दो पहले ही आप लोग, नंबरिंग कर दो बेटा वन टू थ्री फोर, तो टू पे लगा दो ब्यूटीन, ये टू पे हो गया इन, ठीक है जी। अब यहाँ पर फोर पे बोला है अमाइनो लगा दो, तो फोर पे अमाइनो, बेटा हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड ही है, तो फोर पे लगा दो अमाइनो मतलब एन एच टू, ठीक है ना। थ्री पे लगा दो हाइड्रोक्सी, थ्री पे लगा दो ओ एच, ठीक है, और थ्री फोर अमाइनो थ्री हाइड्रोक्सी टू ब्यूटीन बोला है। चलिए मुझे बताओ बेटा अब इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए, तो इस ये इनकरेक्ट आईयूपीएसी नेम था, इससे हमने स्ट्रक्चर बना लिया, अब इसका चेक करते हैं करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो पैरेंट कार्बन चेन हो जाएंगे बेटा ये,
चार कार्बन का नंबरिंग जो होगा क्या इधर से करेंगे? नहीं, यहाँ पे नंबरिंग गलत की हुई है। नंबरिंग जो होगा वो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट होगा, 1 2 3 4। अब आप एक बताओ, दो फंक्शनल ग्रुप है, एक NH2 एक OH है, दोनों में सीनियर कौन है? OH। जब ये सीनियर है तो ये बनेगा सफिक्स, ये बन जाएगा प्रीफिक्स। तो अब आंसर क्या आएगा? वन पे अमाइनो, एक्चुअल में सही आयु किसी नेम क्या हो जाएगा? वन अमाइनो, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया बेटा। देन प्राइमरी प्रीफिक्स तो है नहीं, कंपाउंड साइक्लिक है नहीं, चार कार्बन तो ये हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट पे है टू पे, इन ब्यूट टू इन एंड टू ऑल, ओ के पहले वाला ई जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा टू ब्यूटीन एंड टू ऑल। चलिए देखते हैं, वन अमाइनो, वन अमाइनो, ये है वन अमाइनो, वन अमाइनो, ठीक है, ब्यूट वन अमाइनो, ब्यूट टू इन टू ऑल, देखो वन अमाइनो ब्यूट टू इन टू ऑल, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग। फिर से पूछे द आईयूपीएसी नेम ऑफ द अबव कंपाउंड, बेटा इसका आईयूपीएसी नेम बताएं, तो इसका जो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसको अगेन हम लोग लिख लेते हैं CH2COOH। अब आप चेक करेंगे कि यहाँ पर दो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये क्या है बेटा? इस्टर। तो दो फंक्शनल ग्रुप है तो कोई एक सफिक्स बनेगा, दूसरा प्रीफिक्स बनेगा। सफिक्स कौन बनेगा? जो सीनियर होगा। तो बेटा सीनियर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सफिक्स बन गया, ये क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। और आपको पता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, आपको पता है कि अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स यूज होता है तो उसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते। तो पैरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का होगा बेटा? ये दो कार्बन का होगा। नंबरिंग करेंगे, ये नंबर वन, ये नंबर टू। चलिए तो नेमिंग क्या हो जाएगा? नेमिंग हो जाएगा बेटा, इसके लिए नेमिंग जब करेंगे तो इस्टर का प्रीफिक्स नेम क्या हो जाएगा? इधर से देखेंगे तो टू पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथॉक्सी कार्बोनिल, जिसका एड्रेस है टू, तो इसका पहले हम लोग लिख लेते हैं टू मिथॉक्सी, टू मिथॉक्सी कार्बोनाइल। देन क्या बेटा? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक, इथेनोइक एसिड। चेक करेंगे टू मिथॉक्सी कार्बोनाइल इथेनोइक एसिड, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, द आईयूपीएसी नेम ऑफ ये, बेटा आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? सी एच थ्री सी एच टू एन एच सी एच ओ सी एच ओ। चलिए मुझे बताया बेटा ये क्या है? यार नॉर्मल अगर सोचे आपको क्या लग रहा होगा, अगर कोई बच्चा नॉर्मली सोचता है आपको लग रहा है कि यार ये एल्डिहाइड क्या सर, ये एमाइन है क्या सर? नहीं बेटा, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो, ये एल्डिहाइड नहीं है, ये कुछ और है, ये कुछ क्या है? चलो इसको एक बार ऐसे लिखो, एच उल्टा लिखो, एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी एच टू सी ए थ्री। बेटा अब मुझे एक बात बताओ, इधर से आपने देखा ऐसे देखा तो आपको एल्डिहाइड नजर आया, इसको ऐसे देखा आपको क्या नजर आया? एमाइड। मुझे बताओ एल्डिहाइड और एमाइड में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? एमाइड की। तो एक्चुअल में ये एल्डिहाइड नहीं बल्कि ये अमाइड है। तो क्वेश्चन ये जो तरीका होता है ना बेटा, एग्जामिनर आपको इस तरीके से देता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। अब आप देखें इसमें पैरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का होगा बेटा? मेन जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का वो यही है, तो पैरेंट कार्बन चेन ये हो जाएगा। देन अब यहाँ पर एक ही कार्बन है तो ये बन जाएगा बेटा प्रीफिक्स, और ये प्रीफिक्स में क्या है? इथाइल, जिसको जो इससे जुड़ा हुआ है बेटा वो अमाइन के मतलब अमाइड के नाइट्रोजन से, तो ये एन इथाइल इसका नाम हो जाएगा, एन इथाइल मीथेन, एक कार्बन का मीथेनामाइड, एन इथाइल मीथेनामाइड, ये आपका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी नेम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला आईयूपीएसी नेम ऑफ, बेटा ये पूछा है इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, तो आईयूपीएसी नेम अब आप देखेंगे, ये एक बेंजीन है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इससे जुड़ा हुआ है सी डबल ओ एच। तो आपको पता है ना कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग से जुड़ा होता है तो रिंग को मानते हैं पैरेंट कार्बन चेन। अब यहाँ पर बेटा ये ओ एच और ये ओ एच, ये दो कार्बन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, पैरेंट कार्बन चेन यहाँ पर ये बेंजीन हो जाएगा, ठीक है ना, प्रीफिक्स बन जाएगा, ये है वो सफिक्स, ये दोनों बन जाएंगे प्रीफिक्स। नंबरिंग करेंगे बेटा 1 2 3 4, क्योंकि सफिक्स है तो नंबर 1 वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो यही नाम हो जाएगा 3 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखेंगे बेटा 3 4 कहीं पे है क्या 3 4? यस 3 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी आईयूपीएसी नेम में एक्सेप्टेड है, या बेंजोइक एसिड बोल दो या बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दो, दोनों ही नाम सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 3 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चलिए
इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे बेटा, ये तो आपके मॉड्यूल्स में क्वेश्चन दिया हुआ था उसी से हमने उठाया हुआ है। तो ये बोल रहा है बेटा, ये आप थोड़े से एम टाइप स्ट्रक्चर है, ऊपर लगा दिया है ई टी ई टी और इधर लगा दिया बेटा एम ई। चलिए सबसे पहले इसका मतलब क्या समझेंगे, ई टी मतलब होता है इथाइल। तो चलिए सबसे पहले बेटा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, यहां से बॉन्ड एंड नोटेशन से आप ठीक है ना, पांच कार्बन, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन ले ले बेटा, तीन चार पांच, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है राइट। देन बेटा एक दो, दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है ईटी मतलब इथाइल, इथाइल का मतलब क्या होता है बेटा, दो कार्बन ठीक है। फिर उसके बाद फिर दो तीन चार, चौथे कार्बन पर क्या बेटा मिथाइल, अगर मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो मिथाइल मतलब ये एक कार्बन ठीक है जी। यहां से हम पहुंचे इसके स्ट्रक्चर पे, अब देखते हैं इसका नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो बच्चे क्या करते बेटा, गलती क्या करते, गलती ये करते पैरेंट कार्बन चेन या तो इधर से ले लेंगे या तो इधर से ले लेंगे, पैरेंट कार्बन चेन जनरली बच्चे ये ले लेते हैं और ये लेने के बाद में क्या करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, कहते टू इथाइल फोर मिथाइल पेंटेन। बेटा मुझे बताओ क्या ये पैरेंट कार्बन चेन बनेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर आपने इथाइल को ओपन करा बेटा तो इथाइल ये हो जाएगा, तो पैरेंट कार्बन चेन लीनियर नहीं होगा बल्कि पैरेंट कार्बन चेन कुछ और होगा जो कि ये होगा, मतलब यहां से नहीं बल्कि पैरेंट कार्बन चेन यहां से शुरू होगा। इथाइल को ओपन तो करो यार, तो जब हमने इथाइल को ओपन किया तो नंबर ऑफ कार्बन इधर ज्यादा मिल जाएंगे तो पैरेंट कार्बन चेन यहां शुरू होगा। अब नंबरिंग कहां से करें, एक दो तीन, तीन पे प्रीफिक्स मिल रहा है, वन टू सेकंड पे प्रीफिक्स मिल रहा है, नंबरिंग इधर से होगा, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, टू पे मिथाइल है और फोर पे मिथाइल है, टू फोर डाई मिथाइल सिक्स कार्बन का हेक्सेन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, विच इज करेक्ट आईयूपीएसी नेम बेटा, किसका आईयूपीएसी नेम करेक्ट है। यहां पर छोटा सा मिस्टेक ये हो गया है, सी एच थ्री में सी जो है बेटा डबल बॉन्ड आगे चला गया, वो पीछे होगा, ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, देन ये सी एच टू और ये हो जाएगा बी आर। चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, पैरेंट कार्बन चेन ये तीन कार्बन का, वन टू थ्री, वन ब्रोमो प्रोपेन टू ओन या प्रोपेनोन भी कह सकते हैं, वन ब्रोमो प्रोपेनोन, तो बेटा ये सही क्या, विच इज करेक्ट बेटा, ये तो करेक्ट ही है, ये है करेक्ट, बाकी चेक कर लेते हैं क्या ये इनकरेक्ट है या नहीं बेटा। यहां पर हम देखेंगे तो पैरेंट कार्बन चेन जो होगा वो क्या होगा, ये रिंग होगा ठीक है, और तीनों के तीनों ऑक्सीजन है, कीटोन ग्रुप है तो तीनों ही सफिक्स माने जाएगा, तो ये साइक्लोहेक्सेन वन थ्री फाइव ट्राइओन, तो यहां पर साइक्लोहेक्सेन वन थ्री फाइव बेटा करेक्ट पूछा है, वन थ्री फाइव साइक्लोहेक्सेन ट्राइओन, यहाँ पर एड्रेस जो है ना वन टू थ्री फोर फाइव, तो बेटा साइक्लो इसका नाम क्या होना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन वन थ्री फाइव ट्राइओन, तो ये भी तो करेक्ट ही नजर आ रहा है, इसमें दिक्कत क्या है, वन थ्री फाइव को बहुत पहले लिख दिया है, ये वन थ्री फाइव ट्राई के पहले आना चाहिए था, मतलब ये होना चाहिए साइक्लोहेक्सेन वन थ्री फाइव ट्राइओन, ये इसको होना चाहिए था, ये भी करेक्ट है, मतलब दो करेक्ट हमको नजर आ रहे हैं। सी देख लेते हैं, टू कीटो, इसका नाम क्या है, ये हो जाएगा बेटा कीटोन है, ये एल्डिहाइड, नंबरिंग करेंगे वन और ये टू, तो टू कीटो या बोलो या टू ऑक्सो बोलो एक ही बात है, टू कीटो ये परफेक्ट बन जाएगा बेटा, टू कीटो साइक्लोपेंटेन वन कार्बेल्डिहाइड, टू कीटो साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, विच इज करेक्ट बेटा, तीनों करेक्ट है एक्चुअल में, टू कीटो साइक्लो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, टू कीटो साइक्लो पेंटेन, पेंटेन भी सही है, पेंटेन वन कार्ब एल्डिहाइड, ये भी सही है बेटा, ये जो है ना, अच्छा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ऑल आर करेक्ट, आई एम सॉरी, तो यहां पर बेटा तीनों की तीनों सही है, चौथा ऑप्शन क्या है, डी ऑल आर करेक्ट, तो यहां पर जो है ऑल आर करेक्ट जो होगा वो सही ऑप्शन जाएगा। चलिए थैंक यू।